दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल के करीब 62,000 कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम करें या फिर घर बैठ जाएं। इसके साथ ही कंपनी के कर्मचारियों से अगले 2 साल तक खूब मेहनत करने के लिए भी कह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों से कहा कि या तो वो काम करें या फिर वो वीआरएस ले ले, नहीं तो काम ना करने वालों को जबरन वीआरएस दे दिया जाएगा, जैसे रेलवे में किया गया है। आपको बता दें कि हाल में ही सरकार ने बीएसएनएल को पटरी पे लाने के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इसमें सेवाओं में सुधार, बही खातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है। वहीं बीएसएनएल के लिए इस पैकेज को मंजूरी देने के चलते सरकार की जमकर आलोचनाएं भी हो रही हैं। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि सरकार बीएसएनएल को 4G सेवा की पेशकश करने के लिए आवंटित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बीएसएनएल को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूरसंचार एक रणनीतिक क्षेत्र है जहां सरकार बीएसएनएल की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।